आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। चमोली जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुराड़ थराली में तैनात डॉक्टर पुनीत गौतम व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायण बगड़ चोपता में तैनात डॉक्टर शुभम मिश्रा ने जहां इस्तीफा दे दिया है, वहीं जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में तैनात अर्थापेडिक सर्जन डॉक्टर विक्रम व उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर उमंग राव ने भी इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त की है, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर राजीव गर्ग भी कार्य पर नहीं लौटे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी कुड़ियाल ने बताया कि जिले में चिकित्सकों के स्वीकृत 164 पदों के सापेक्ष 36 चिकित्सकों के पद रिक्त चल रहे हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों के 64 पदों के सापेक्ष 44 पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में चिकित्सकों के इस्तीफा देने से स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का सुचारू रूप से लाभ देना बड़ी चुनौती बन जाएगा। मैं डॉक्टर उमंग और जोशीमठ से डॉक्टर बैन जो है वो उन्होंने लिखित रूप से त्याग पत्र नहीं दिया है, वो कुछ समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। जैसे कर्णप्रयाग के जो डॉक्टर उमंग है वो पिछले 2 माह से अनुपस्थित चल रहे हैं और डॉक्टर गर्ग जो जोशीमठ से हैं वो लगभग पिछले 4 माह से अनुपस्थित चल रहे हैं। तो जब उनको विकासखंड द्वारा जो है कांटेक्ट किया गया है वापस आने के लिए, तो वो अपनी इच्छा मतलब जाहिर नहीं कर रहे हैं, मतलब वो नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने लिखित रूप से त्याग पत्र नहीं दिया है अभी तक। डॉक्टरों का इस्तीफा देना हमारे इस सीमांत जिला चमोली के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। एक तो यहाँ पर डॉक्टरों की वैसे भी पहले से कमी है और दूसरे में डॉक्टरों का इस्तीफा देना ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्य हमारे इस क्षेत्र के लिए है। और हमारा तो सरकार से भी ये पूछना है कि आपके द्वारा जो बहुत बड़े वादे किए जाते हैं कि हमने डॉक्टर भेज दिए, हमने पूरा स्टाफ भेज दिया है, लेकिन जिला मुख्यालय गोपेश्वर में अभी ये हाल है कि यहाँ पे डॉक्टरों का पलायन हो रहा है, डॉक्टर लोग यहाँ पे से इस्तीफा दे के जा रहे हैं। अगर कोई ऐसे कारण होगी जिस कारण से डॉक्टर इस्तीफा देने को मजबूर हो रहे हैं, हमारा निवेदन रहेगा शासन से प्रशासन समस्या का समाधान करें। वो जहाँ अपनी उनकी कोई समस्याएं हैं वहीं हमारा उनसे निवेदन रहे कि ये डांडा कांटे का ये मुल्क है, लोग बहुत दूर दराज से यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ पे आएँ तो वो बैरंग ना हो, लौट के ना जाएँ, बल्कि वो स्वस्थ होके जाएँ, हम ऐसी कामना करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूँगी इजाज़त, नमस्कार।